वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में। आज दिनांक 1 मई 2021, दिन शनिवार। शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों के ऊपर शनिदेव और हनुमान जी का कृपा सदैव बना रहे। आज वैशाख माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि होगी। संध्या 4:42 तक, सूर्योदय 5:13 और सूर्यास्त 6:20, चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे 11:10 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे 8:48 पे। सूर्य मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा धनु राशि में। यह बसंत ऋतु है, अयन उत्तरायण रहेगा। योग सिद्ध योग 1:47 तक। करण कौलोभ करण 5:52 तक, उसके बाद वनिज करण। नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र 10:17 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। दिशाशूल की बात करें तो आज शनिवार दिन होने के कारण आज के दिन उत्तर पूर्व और ईशान दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से अदरक उड़द की दाल या तिल खाकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी का दिन माना गया है। आज के दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डाले तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव के मंदिर में शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाए। सरसों के तेल में अपना मुख देख करके उस सरसों तेल का दान करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:20 से 12:12 तक। गुली कालम समय होगा 3:03 से 4:42 तक। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा 4:42 से 6:20 तक। यह विक्रम संवत 2078 आनंद है और शक संवत 1943 प्लव। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।